सलामी मंच की ओर चले आ रहे हैं। प्रसन्ना रामास्वामी जी, आप डिप्टी कमिश्नर रियासी हैं। श्रीमान प्रसन्ना रामास्वामी जी, जम्मू कश्मीर होमगार्ड का स्कॉट जिसकी कमान को संभाला है एक्सल सब इंस्पेक्टर श्री मंचवाराम ने पूरा दस्ता कदम मिलाते हुए खाली उतर रहा है। मोहित कुमार, अपने शहर का लोगो देके निखारेंगे तुझे, सर पर चढ़ के एक बार फिर पुकारेंगे तुझे, रहो अभियान की देखे ये बच्चे मन के सच्चे। हमारे देश का संचालन, उसकी कमान अब हमारे हाथ में है, लेकिन क्या हम पूरी तरह से मुक्त हैं? धर्माड़ी के एक गांव में अंधविश्वास के कारणवश एक परिवार ने डिप्थीरिया नामक घातक बीमारी के खिलाफ वैक्सीनेशन से इनकार कर दिया था। परिणामतः उसी परिवार में हाल ही में एक छोटी बच्ची की मौत हो गई थी और दो और परिवारजन बीमार पड़ गए थे बुरी तरह से। अज्ञानता, अंधविश्वास, जातिवाद, नशा एवं नैतिक भ्रष्टाचार यानी कि मॉरल करप्शन से जब तक हम पूरी तरह से मुक्त ना होंगे, तब तक हर पीढ़ी में नए युग के स्वतंत्रता सेनानियों की आवश्यकता होती रहेगी और हर एक स्वतंत्रता दिवस हमें यह याद दिलाता रहेगा। मेरे साथियों, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला प्रशासन रियासी आपके सेवा करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। इस अवसर पर हमारी उपलब्धियों का जिक्र करना अनिवार्य है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने 65.50 किलोमीटर की लंबाई में सड़कों का मैकेनाइजेशन किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कुल 141 किलोमीटर सड़कें बिछाई गई हैं, जिसमें से 18 किलोमीटर की ब्लैक टॉपिंग हो चुकी है। बिजली विभाग ने 13 दूरदराज गांवों में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत बिजली पहुंचाई है। गुलाबगढ़ महोर इलाके के लोगों के लिए एक नए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की इमारत महोर में स्थापित कर स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में 6,539 बच्चों का विभिन्न बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने गरीब मरीजों की चिकित्सा हेतु 33.64 लाख रुपए देकर इलाज करवाए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत गुलाबगढ़ एवं पैंथल ब्लॉक ओपन डेफिकेशन फ्री यानी कि खुले में शौच से मुक्त कर दिए गए हैं। इसी साल जिला रियासी को भी पूर्ण रूप से ODF यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 5,994 नए
एलपीजी गैस कनेक्शंस दिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत 300 बेरोजगार युवाओं ने अपने बिजनेस स्थापित किए हैं। साथियों, साथ मिलकर काम करने से और साथ आगे बढ़ने से ही अपने इस आजादी का हम पूरा फायदा उठा पाएंगे।